आईपीएल 2025 की जो रिटेंशन हैं, ऑक्शन से ठीक पहले आखिर कौन सी टीम कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, क्या रूल्स होंगे रिटेंशन के, क्या 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएंगे, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को या 8 को, जी हाँ 8 खिलाड़ियों को भी रिटेन किया जा सकता है, क्या रूल्स है उसको लेकर भी सुगबुगाहट तेज होने लगी। और जो खबर निकल के आ रही है उसमें बताया ये जा रहा है कि आज या फिर कल यहाँ पे ऐलान हो सकता है रिटेंशन रूल्स का। क्रिकबस के मुताबिक जो खबर निकल के सामने आई है, आज आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है, उसका टाइम चेंज किया गया था, 11:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या क्या चर्चा हो सकती है। देखिए जनरल हम बात करें जो मुद्दे हो सकते हैं गवर्निंग काउंसिल की इस मीटिंग के, सबसे बड़ा मुद्दा है रिटेंशन रूल्स एंड देन कि आपको ऑक्शन जो यहाँ पे कंडक्ट करानी है, ऑर्गेनाइज करानी है, उसको आप कैसे कराएंगे यहाँ पे, ये दो बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। जो खबर निकल के आ रही है उसमें देखिए, जो थोड़े दिन पहले खबर निकली थी वो उसमें लिखा गया था, उसमें बताया ही गया था कि 5 रिटेंशन हो सकते हैं टोटल, ओवरऑल 5 रिटेंशन यहाँ पे हो सकते हैं, जिसमें 3 इंडियंस, 2 यहाँ पे ओवरसीज या फिर 4 इंडियंस और 1 ओवरसीज यहाँ पे हो सकता है, और राइट टू मैच कार्ड नहीं होगा। आरटीएम के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आरटीएम होता क्या है, राइट टू मैच कार्ड वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जो अब खबर निकल के आई है उसमें बताया जा रहा है कि 2 खिलाड़ियों से लेके 8 खिलाड़ियों तक को रिटेन करने का एक रेंज बनाया गया है, कि हो सकता है 2 से 8 का एक रेंज बनाया जाए, उसके बीच में आप खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं टीम्स की सहूलियत के लिए है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो एक मीटिंग हुई थी फ्रेंचाइजी के ओनर्स के साथ बीसीसीआई की, वहाँ पे फ्रेंचाइजी ओनर्स जो अलग अलग कंपनी के अलग अलग टीम्स के यहाँ पे हैं, उनके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, जिसमें शाहरुख खान की हीटेड आर्ग्यूमेंट नेसवाडिया के साथ हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी, क्योंकि खबर ये निकल के आई थी सूत्रों के हवाले से कि शाहरुख खान की जो टीम है केकेआर, जो कि इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियंस है, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन हो। वहीं डीसी की अगर हम बात करें, पंजाब किंग्स की हम बात करें, इवन एसआरएच की हम बात करें यहाँ पे, तो वो चाहते थे कम रिटेंशन हो, क्योंकि नई टीम बनाने का, क्योंकि एक मेगा ऑक्शन है तो आपको मौका मिल जाता है यहाँ पे नई टीम बनाने का। अब जो खबर निकल के आई उसमें बताया जा रहा है 2 से 8 का रेंज हो सकता है यहाँ पे जो खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं। हालांकि अभी तस्वीर ये साफ नहीं है कि कितने भारतीय खिलाड़ी होंगे, कितने इसमें विदेशी खिलाड़ी होंगे, और साथ ही साथ अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए क्या रूल रहने वाला। याद रखिएगा साल 2021-22 तक वो अनकैप्ड रूल था, जिसमें अगर कोई भारतीय खिलाड़ी 5 साल से ज़्यादा उसके रिटायरमेंट को समय हो जाता है तो कोई भी टीम उसको एज अ अनकैप्ड खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर सकती है कम राशि में। और ये जो नियम है ये कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को तय करेगा आईपीएल में, कि अगर वो अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे या फिर अगर रिटेंशन ज़्यादा होते हैं, 5 रिटेंशन होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, तो क्या महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करेंगे, क्या महेंद्र सिंह धोनी खुद कहेंगे सीएसके को कि वो उनको रिटेन करे, और अगर रिटेन करती है तो रकम क्या होगी, कितने पैसों में यहां पे उनको रिटेन किया जाएगा। तो और अनकैप्ड वाला जो एक नियम है वो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के लिए बहुत ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। वही जो रिटेंशन का रेंज है उसमें जो सवाल, जो धड़कने सबसे ज्यादा किसी टीम की बड़ी हुई है वो है यहां पे मुंबई इंडियंस की, क्योंकि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, ये 5 बड़े नाम है, डिवाल्ड ब्रेविस को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, जिनको कहीं ना कहीं आप रिटेन करना चाहते हैं। आप किस किस को रिटेन कर पाएंगे वो डिपेंड यहाँ पे करेगा कि रिटेंशन के जो रूल्स हैं वो कितने रिटेंशन का आपको अलाउ करता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये खबर निकल के आई है इसमें राइट टू मैच कार्ड को भी यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है। जी हाँ, आरटीएम कुड बी बैक, राइट टू मैच कार्ड भी यहाँ पे वापस आ सकता है, और आपको 5 से 6 या 2 से 8 की जो रेंज मैंने बताई उसमें आपको खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका मिलेगा। और ये ऐलान आज शाम को या फिर कल सुबह हो सकता है, क्योंकि मीटिंग, जब मैं आपको ये सारी खबरें बता रहा हूँ, इस वक्त मीटिंग चल रही है 11:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, ये मीटिंग है आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है कि किस तरह से भारत के बाहर यहाँ पे आईपीएल ऑक्शन को जो नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के शुरुआती कुछ दिनों में ऑर्गेनाइज कराई जा सकती है, वो वहाँ पे उसका ऑर्गेनाइज को लेकर सारे यहाँ पर सवाल उठेंगे। वैसे आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितने रिटेंशन यहाँ पे होने चाहिए, क्या राइट टू मैच कार्ड होना चाहिए, क्या मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को अपने साथ रोकेंगे, क्या महेंद्र सिंह धोनी कहेंगे 1 more season। आप लोगों के इन सभी सवालों पे क्या राय है, आप अपनी राय हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।